नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बैठो बैठो बैठो। मैं तो तुमसे कभी बात भी ना करूं। वचन दे गए थे बरस तो बरस आकर लड़के की खबर दे जाया करोगे, हैं? आज आए हुए 8 बरस हो गए। खबर अच्छी थी तभी तो नहीं आया। लड़के से मिलकर आए हो कि नहीं? मिले बिना कैसे आता, हिम्मत कैसे पड़ती। मैं पानी लाता हूँ। खूब मजे में है तुम्हारा बेटा, बड़ी लगन से काम करता है। हाँ। दान पुण्य खूब करता है, राज दरबार तक पहुंचे उसकी। हाँ। चारों तरफ कीरत ही कीरत देखा, प्रजापत के किए जो जस था सो था। अब बेटा चारगुनी कीरत बढ़ा रहा है। मैंने कहती थी वो एक दिन जरूर बड़ा आदमी होगा। कैसा दिखता है, हमें याद करता है? परदेश में हमें याद नहीं आती होगी ना। देखे 8 साल हो गए। क्यों रोती हो? तुम दोनों की तो पूजा करता है, तुम दोनों का नाम स्मरण करके ही कोई नया काम शुरू करता है। अब तुम ही रहो, अब रोज मैं तुमसे लिचपन की कहानी सुना करूंगी। नहीं, इस बार नहीं रख सकूंगा, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बस ठिकाने तक पहुंचने की सांस बाकी है। अरे ऐसे नहीं जाने दूंगी, कलेवा तो खाते जाओ, तैयार है? अब तो जिस धन के खातिर हमने लक्ष्मण को दिसावर भेजा था वो धन तो हमारे पास इकट्ठा हो गया है। तुम लक्ष्मण को जल्दी से वापस बुलवा लो,
हम इसी धन से यहाँ हवेलियां खड़ी कर लेंगे। ऐसे बेवकूफी की बात मत करना, किसी को भनक भी पड़ गई इस धन की तो हम जिंदे मारे जाएंगे, समझी? ये क्या पहना तूने? कुछ नहीं। अरे दिखा दिखा ना, बाजू बंद है और क्या, उतारो से। नहीं, कहने पहने सिंगारने की मेरी वैसे भी उम्र नहीं है। तेरा माथा तो नहीं पलट गया? बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तेरा माथा तो नहीं पलट गया? किसी तीसरे की नजर इस पर पड़ गई तो दूसरे भोगने लगेंगे ये धन। इतना ध्यान से पहना था मैंने, बीसियों दिन हो गए, तुम्हें भी कहां मालूम पड़ा? ना हो तो बहू को भी यहीं बुलवा लो, जवान लड़की है, कम से कम वो तो खाए पहने। जब तक लक्ष्मण दिसावर से नहीं आता इस धन को भूल जा कोर्चा। वो बेशुमार धन कमा कर लाएगा, अपना धन उस धन के साथ जुड़ जाएगा, फिर किसी को कोई संशय नहीं रहेगी। उसके आते ही दूसरे दिन मैं अपनी हवेली की नींव डलवा दूंगा। पर हम अपनी हवेली अलग बनवाएंगे, और बहू से कम कहना मैं भी नहीं पहनूंगी, साफ साफ सुन लो। हाँ हाँ जरूर पहन लेना, बहू से ज्यादा पहन लेना। डाकू पीछे पड़ गए थे, चकमा दे पाँव पाँव छोटे रास्ते भागता आया हूं, अब तक तो बच गया हूं, आगे भरोसा नहीं। यहाँ कोई छुपने की जगह? यहाँ छुपने की जगह? डाकू आ गए तो रक्षा कैसे करेंगे? धर्मशाला में आज रात कितने आदमी ठहरे हैं? कोई नहीं। कितने कमरे हैं? दो। कोई परेशानी? नहीं। तो एक में मुझे बंद कर दो। इसे तुम्हें सौंप रहा हूं, बच गए तो ठीक, नहीं तो इसे मेरे बाल बच्चों को सौंप देना। नाम पता सब इसमें लिख कर रख छोड़ा है। चलो
भारी है। उसे संदूक जी के नीचे रखने से तो अच्छा है बड़ी वाली हांडी में रख दे। कर देखें। ताला, ताला तोड़ना पड़ेगा। उसे क्या कहेंगे? कुछ भी कह देंगे। अनमोल रत्नों का मंजूस है ये। फिर भी उसे क्या कहेंगे? कुछ भी कह देंगे। कह देंगे ताला तोड़कर मजूस और रत्न अलग अलग छिपा दिए।
कंगन तो मैंने कभी नहीं देखे। पुराना सुना है, बहू पर कितने चचेंगे ये कहने। डाकुओं को मिल जाता तो कुमार जानता है हमें? लाखन सिंह का नाम सुनिया है? वो भगोड़ा सेठ यहीं ठहरिया है ना? कौन? शाबाश, जैसा नाम सुनिया वैसा ही पाया। यात्रियों की रक्षा तो अपनी जान पे खेल के करता है। शाबाश, वो यहीं छुपया है, जानू हूं मैं। पैर भी छोड़ रही हूं तेरी खातिर, तेरी ड्यूटी पर पाप नहीं पोतूंगा। भगोड़े सेठ ने कह दीजो मैं छोड़ दियो, निश्चिंत हो अपने घर चलो जाए। तक यहां आप बकस गए, उसे मैं कैसे मारूं? डाकू आए थे, अच्छा हुआ डाकू आए थे। लोग समझेंगे डाकुओं का किया हुआ है। नहीं, मुझसे नहीं होगा। कैसी बातें करते हो, इतने अनमोल गहने हुए छोड़ दूं? ये पाप है, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तुमसे नहीं होगा तो मैं ही किए देती हूं।